विराट कोहली ने रोहित से छुड़वाई ओपनिंग। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में सब उस वक्त दंग रह गए जब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग ही बदल दी। दुबई में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव भी हुए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी माय 11 सर्कल के बारे में, जहां कल मैंने फैंटेसी क्रिकेट खेलकर कमाए 7,000 रुपए, और आप भी इस वीडियो को पूरा देखकर जीत सकते हैं 10,000 रुपए। इसके लिए वीडियो अंत तक देखना होगा। माय 11 सर्कल पर अजिंक्य रहाणे, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण के साथ खेल सकते हैं, और टी20 वर्ल्ड कप में अगर इंडिया जीत जाती है तो आपको मिलेगा डबल कैश। अगर आप 500 जीतेंगे तो आपको 1,000 मिलेंगे। है ना जबरदस्त ऑफर? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में फटाफट माय 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। यहां आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। भारतीय टीम में ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया, और इसी के साथ ही कप्तान विराट कोहली ने टीम की ओपनिंग भी बदल दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन को रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल के साथ ओपनिंग पर भेजा गया। हालांकि भारतीय टीम की ये रणनीति कारगर साबित नहीं हुई और ईशान किशन तीसरे ही ओवर में महज 4 रन बनाकर ट्रेट वोल्ट का शिकार हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रोहित शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को ओपनिंग से क्यों हटाया गया? रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 4 शतक ठोकने वाले खिलाड़ी हैं, और ये सभी शतक उन्होंने बतौर ओपनर ही लगाए हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें ओपनिंग की जगह पर नंबर 3 पर भेजा गया। क्या भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मुकाबले को देखते हुए ये फैसला लिया? बता दें, रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा को शाहीन अफरीदी ने इन स्विंग पर LBW आउट किया था। ट्रेट वोल्ट भी अंदर की ओर स्विंग कराते, तो क्या इसलिए टीम इंडिया ने रोहित शर्मा को नंबर 3 पर उतारा? बता दें, रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले भी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर चुके हैं। पिछले साल फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने तीसरे नंबर पर उतरकर अर्धशतक ठोका था। उन्होंने 41 गेंद में नाबाद 60 रन बनाए थे। बता दें, साल 2012 के बाद महज 4 बार रोहित शर्मा ने ओपनिंग पर बल्लेबाजी नहीं की है। बता दें, रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली ही गेंद पर जीवनदान मिला। ट्रेट वोल्ट ने रोहित शर्मा को पहली ही गेंद पर शॉर्ट फेंके और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर फाइन लेग की ओर गई, लेकिन वहां बाउंड्री पर खड़े एडम मिलने ने उनका आसान कैच टपका दिया। भारतीय टीम की बात करें तो उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। ईशान किशन महज 4 रन बनाकर आउट हुए, और पावर प्ले के आखिरी ओवर में केएल राहुल भी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में माय 11 सर्कल को डाउनलोड करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं 10,000 रुपए जीतने की। उसमें कुछ खास नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माय 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए और वहां जाकर खेलिए। वहां रोजाना आप में से एक सब्सक्राइबर जीतेगा 10,000 रुपए। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।